जब उम्र बढ़ने लगती है, जब उम्र बढ़ने लगती है और आदमी बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, यहाँ पर कुछ मेरे यंग साथी हैं और कुछ मैं कह रहा हूँ जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे भी साथी हैं, और उन बढ़ती ही उम्र के साथियों के लिए मेरा एक संदेश होगा। वो लोग ये सोचते हैं जब उम्र उनकी बढ़ती है और बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं तो सोचते हैं कि ये एक्सरसाइज या वर्जिश या व्यायाम हमारे लिए नहीं है, अब हम इस उम्र में ये क्या करें, ये हम नहीं कर सकते, ये यंगस्टर्स के लिए है, जवानों के लिए है, वो करेंगे, हम कैसे करें। और सही मायनों में मैं बताऊं तो यंगस्टर से कहीं ज्यादा जरूरत एक्सरसाइज की या फिर फिजिकल एक्टिविटी की हमारे उन बुजुर्गों और जो बढ़ रहे हैं उम्र के साथ, जिनकी आयु और जो बुजुर्गावस्था में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा है। क्योंकि उम्र के साथ साथ क्या होता है, आपकी जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो डिग्रेड होती हैं, डिके होने लगती हैं, और सारा शरीर आप जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। चाहे हमारे ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, उनसे मसल बनती है, सबसे पहले वो सेल होती है, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज से मसल्स बन रही हैं, और ऐसे ही शरीर के अंदर एक पार्ट है हड्डी, तो हड्डी भी सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सेल्स डिके हो रही हैं तो इसका मतलब हमारा सारा सिस्टम वीक हो रहा है, सब कुछ कमजोर होता जा रहा है। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ एक चीज होती है कि मोबिलिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी कि मूवमेंट जब करता है एक उम्र दराज व्यक्ति, अभी 40-50 तक तो आदमी को महसूस नहीं होता है, 60 क्रॉस करने के बाद महसूस होने लगता है कि मोबिलिटी करने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, और साथ ही वो बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो जल्दी गिर जा रहा है। जिस प्रकार से वो जवानी की एज में चलता था और एक बैलेंसिंग रहती थी, अब वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है और वो जल्दी गिर रहा है, और जल्दी गिर भी रहा है, और गिरने के साथ क्या हो रहा है, उसकी हड्डी में बड़ी जल्दी फ्रैक्चर भी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बोन भी कच्ची हो चुकी है, उसमें अब वो मजबूती नहीं रह गई, उसकी सेंस डिके हो रही थी, और साथ ही वो मूवमेंट करने में उसे दिक्कत हो रही है, बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है, और फ्लेक्सिबिलिटी में दिक्कत हो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी में दिक्कत हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है कि जो उम्र जब बीतती है तो वो नॉर्मल अपने डेली रूटीन के कामों में, जैसे मान लिया कि उसने पैंट पहननी है और वो पैंट पहनने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऐसे करके पहन नहीं पाएगा, खुद से उसमें पैंट डाल नहीं पाएगा, और या शर्ट पहनना है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी अब उसकी बॉडी में नहीं रह गई, तो पैंट शर्ट इतने आसान से काम अपने वो नहीं कर पा रहा है, या फिर घर से थोड़ी दूर पे जाना है तो उसे किसी सहारे की जरूरत है, वो अकेले नहीं जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति अपने डेली रूटीन के कामों को नहीं कर सकता है उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, वो कितना अपने आत्मविश्वास को खो चुका होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने आत्मनिर्भरता, दूसरे पर निर्भर हो चुका है, तो उसका आत्मसम्मान भी खो रहा होगा। तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी है, अगर वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो ये सारी मोबिलिटी की प्रॉब्लम, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम और डेली ये सारी ही सुधरेंगी, तो उसके साथ इनका खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, ये अपने डेली के काम खुद से कर सकेंगे, जितने भी काम है वो सारे खुद से कर सकेंगे, तो इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और उससे इनका आत्मसम्मान भी बना रहेगा। तो प्लीज मेरे सभी उम्र बढ़ते हुए साथी और जो बुजुर्गावस्था में प्रवेश कर गए हैं, ऐसी स्पेशल पॉपुलेशन, प्लीज ये ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ें और फिट रहें। शुभकामनाएं सभी को।